प्रश्न है, हम कर्म क्यों करते हैं? तो देखो, मैं जो सोच रहा हूं वही प्रश्न आपने समझ लिया क्या? तो कई बार ऐसा भी होता है कि प्रश्न समझ में नहीं आता और उत्तर समझाया जाता है तब प्रश्न समझ में आता है। आपने परीक्षाएं दी होंगी, कई बार प्रश्न ही समझ में नहीं आता तो हम उत्तर क्या देंगे। तो मैंने प्रश्न किया है कि हम कर्म क्यों करते हैं। तो क्यों करने का एक अर्थ यह भी है कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम कर्म किस उद्देश्य से करते हैं। तो मैं इस समय जो प्रश्न कर रहा हूं वह यह प्रश्न नहीं है। हम क्यों करते हैं इसका एक अर्थ यह भी होता है कैसे करते हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि हम ये सिस्टम है हाथों से पैर से इसे करते हैं। मेरा प्रश्न है कर्म का कारण क्या है। और आप ये जानते हैं बिना कारण के कोई भी कार्य बोलो नहीं होता। तो कर्म का कारण क्या है? तो देखो, मैं कर्म का सीधे सीधे आपको कारण बता देता हूं ताकि आपको उत्तर भी पता चल जाए और मेरी आगामी चर्चा को समझने में आपको आसानी हो। तो देखो, कर्म का कारण विचार होता है। बोलो जोर से, क्या होता है? विचार। प्रश्न किया कर्म क्यों करते हैं, तो सीधा साधा सा अर्थ हुआ विचारों में लिप्त होकर, विचारों के अधीन होकर हम कर्म करते हैं। क्यों करते हैं, उद्देश्य कैसे निर्धारित होता है, यह भी हमारे विचारों पर आधारित होता है। हमारा संपूर्ण व्यवहार हमारे विचारों पर आधारित है। थोड़ा आवाज कम कर लिया, हमारा संपूर्ण व्यवहार, उठना बैठना खाना पीना आना जाना कैसे बात करना, ये सब हमारे विचारों पर आधारित है। अब मैं आपको कुछ नमूने दिखाता हूं जिससे आपको अपने आसपास होने वाले व्यवहार का पता चलेगा और आप मस्तिष्क पर जोर लगाएंगे, पूरा इस्तेमाल करेंगे अपने मस्तिष्क का, अपने विचारों का, मनोविज्ञान कहते हैं इसको, मनोविज्ञान का। हमने लोगों से जानना चाहा कि भाई ये बताइए कि कर्म कैसे होते हैं, कौन करता है, कर्म का कारण क्या है। तो हमें ऐसे लोग मिले, उन्होंने ये कहा कि जी हम कौन होते हैं कर्म करने वाले, हम तो परमात्मा की कठपुतली हैं, वो जो हमसे कराता है हम वही करते रहते हैं। एक ऐसे लोग हैं जो सारे के सारे कर्मों का कारण परमेश्वर को मानते हैं। लेकिन यही प्रश्न जब महर्षि दयानंद जी महाराज से किया गया कि क्या हम परमेश्वर की कठपुतली हैं, तो ऋषि दयानंद जी महाराज ने कहा नहीं, हम परमात्मा की कठपुतली नहीं है, हम कर्म करने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र हैं, हम कर्म करने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र हैं लेकिन फल भोगने के लिए नहीं। अब आपके सामने दो विचारधाराएं आ गई हैं। एक ये विचारधारा है कि हम परमेश्वर से, जो भी हमसे कर्म कराता है उसके आधार पर हम कर्म करते हैं, और एक ये विचारधारा है कि हम स्वतंत्र हैं, जो चाहें सो कर सकते हैं,
आप ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति इधर बैठा है वो इसकी मान्यता यह है, दूसरा व्यक्ति ये बैठा है उसकी मान्यता यह है, कर्मों की स्वतंत्रता वाली। तो अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि अपने विकास के लिए इन दोनों में से मेहनत कौन करेगा, या दोनों करेंगे या एक करेगा, एक करेगा तो कौन सा करेगा, बोलो। जरा फिर से सुनो, आपको उत्तर देना होगा ताकि मुझे समझ में आए कि आपके पास तक मेरी बात पहुंच गई है। फिर से सुनो, या देखो कई विकल्प हैं इसके, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, आप उसमें से सही विकल्प छांटिए। इधर वाला व्यक्ति, इधर एक व्यक्ति बैठा है वो ये मानता है कि मैं अपने हिसाब से कुछ नहीं करता हूं, परमात्मा जो कराता है मैं बस वही वही करता रहता हूं। और इधर जो व्यक्ति बैठा है वो ये मानता है कि मैं जो चाहूं सो कर सकता हूं। अब आप बताइए इन दोनों का व्यवहार एक जैसा होगा या अलग अलग होगा, है जी, अलग अलग होगा। तो आप बताएंगे अपने विकास के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपनी तरक्की के लिए इन दोनों में से कौन सा मेहनत करेगा, जो स्वतंत्र विचार रखने वाला है। लेकिन आप मुझे ये तो बताते जाइए कि इन दोनों में से किसकी संख्या अधिक है मेरे देश में, है जी। परमात्मा को कर्मों का कारण मानने वाले लोगों की संख्या अधिक है, इसीलिए मेरे देश में निकम्मे लोगों की संख्या भी अधिक है। आप आनंद लेते रहिए, मैं आपके सामने कुछ चीजें बिल्कुल स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। एक और बात इन्हीं दोनों से हम जानना चाहेंगे, सामने अत्याचार हो रहा है, सामने अत्याचार हो रहा है, तो इन दोनों में से अत्याचार का विरोध कौन करेगा, है जी, इधर वाला या इधर वाला, है जी, ज्यादा करेगा कि वही करेगा, विचारों में तालमेल करो, घालमेल मत करो। ये अत्याचार का विरोध नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये मानता है कि वो अत्याचार भी परमात्मा ही करा रहा। विचार स्पष्ट होने चाहिए तभी बात समझ में आएगी। और अगर आप ऐसा भी सोचते हैं कि ये भी विरोध करेगा तो फिर आप ठीक से समझ नहीं पाए, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाए। ये तो ये विचार करता है कि चोरी भी परमात्मा करा रहा है, अत्याचार भी परमात्मा करा रहा है, और जब सब काम परमात्मा ही करा रहा है तो मेरे प्रयास करने से कुछ हो भी क्या सकता है। लेकिन ये मानता है कि जैसे मैं कर्म करने के लिए स्वतंत्र हूं, वैसे ही सारे संसार के जीव भी, बोलो, कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। वो गलत कर्म क्यों कर रहा है इसका अर्थ मैं आपको पहले बता चुका हूं, क्योंकि जब गिरता है विचार तो गिरता है आदमी, और उठता है विचार तो उठता है। आज आदमी का विचार गिर गया है, अपने आप भी गिरा है और लोगों ने भी गिराया है। लोगों ने अपने गलत विचारों को लोगों के ऊपर थोप दिया है। वो लोग मस्तिष्क से इतने विकृत हो गए हैं कि उन्हें अब ये बात समझ में आती नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। क्योंकि जिस देश के अंदर जीवों पर दया करना भी शुभ काम हो, जिस देश के अंदर जीवों पर दया करना भी शुभ काम हो और जीवों की हत्या करना भी शुभ काम हो, वहां शुभ कर्मों का निर्णय करना आसान नहीं हो। यहां जीवों की हत्या करना भी शुभ कर्म है और जीवों पर दया करना भी शुभ कर्म है, तब आप निर्णय कैसे करेंगे कि कौन सा शुभ कर्म है, क्योंकि यहां विचार इतने विकृत हो गए हैं,
दलदल बन गया है। आज आप दलदल तो जानते ही होंगे, आप लोग दलदल जानते हैं, लेकिन मैं जहां ले चल रहा हूं उसको और देख लो, आप दलदल जानते हैं। दलदल, दल और दल को मिलाकर एक शब्द बनता, उसका नाम है दलदल। और दल और दल को अलग अलग लिखने के बाद जो दलदल बनता है उसे आप नहीं देख पा रहे है जी। अनेक दलों के समूह को भी बोलो जरा दलदल कहते हैं, उसे वैचारिक दलदल कहते हैं। पानी और कीचड़ से बने हुए दलदल में एक बार व्यक्ति धस जाए तो हाथ पैर मारने से निकलता क्या? निकलता नहीं है, वो अंदर धसता जा रहा है। ऐसे ही विचारों के दलदल में व्यक्ति इस कदर फंस गया है कि उसे कहीं किनारा नजर आता ही नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बात बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहता हूं कि आप पानी की चढ़ के दलदल से अपने आप नहीं निकल सकते, लेकिन विचारों के दलदल से अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप अवश्य निकल सकते हैं। दो तरीके हैं विचारों के दलदल से निकलने के। पहला तरीका है अध्ययन करो। जिस विषय में स्पष्टता नहीं है, जिस विषय में स्पष्टता नहीं है, जहां दोदहरी बातें हैं, जहां पर ऐसी बातें हैं कि हत्या करना भी शुभ है, दया करना भी शुभ है, तो वहां आपको ये अध्ययन करना होगा। आपके सामने बिल्कुल सत्य निकल के आ जाएगा, दलदल से निकल जाएंगे। माने पहला है दलदल से निकलने का आपके पुरुषार्थ का काम। और अगर आप पुरुषार्थ कम करना चाहते हो या सीधे सीधे निकलना चाहते हो तो आपके पास एक सहारा है, उस सहारे का नाम है आर्य समाज। आर्य समाज के बागडोर पकड़ लोगे तो भी दलदल से निकल जाओगे, क्योंकि इसने दलदल को बिल्कुल साफ कर रखा है। विचारों के प्रदूषण को ठीक करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो केवल और केवल, बोलो जरा केवल और केवल बोल रहा हूं। अगर आपको इसके अतिरिक्त तो कोई संस्था लगती हो, ऋषिवर दयानंद जी महाराज के सानिध्य में आने वाले लोगों को छोड़कर आपको ऐसा कोई व्यक्ति नजर आता हो जो विचारों की शुद्धता करने का प्रयास कर सकता है या कर रहा है, तो आप मुझे जरूर बताना, क्योंकि मैंने अभी तक इतनी लंबी यात्रा में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं देखा है जो ऋषि दयानंद के संपर्क में नहीं आया और वैचारिक शुद्धिकरण करने की तरीके वो जानता है। देखो क्या कह दिया मैंने, और मैंने इसीलिए नहीं कह दिया कि मैं आर्य समाज के मंच पर बोल रहा हूं, मैं ये बात संसार के किसी भी कोने में बोल सकता हूं। वैचारिक आंदोलन है आर्य समाज का केंद्र। देखो विचार जब प्रभावी होते हैं, तो अच्छे अच्छे व्यक्ति का दिमाग खराब कर देते हैं। पहले तो इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी आप ये बात कैसे स्पष्ट कर पाए हैं मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये आपको स्पष्ट करना जरूरी है। अच्छा, ये मेरे लिए चुनौती है कि मेरे मस्तिष्क में जो चल रहा है उसे मैं आपके सामने रख दूं और ऐसे ही रख दूं, ये मेरे लिए चुनौती है। और आप ऐसे ही समझ लें, ये आपके लिए चुनौती है। तो मैं और दो तरीके आपके सामने रखता हूं ताकि विषय स्पष्ट हो जाए। वैसे ये जो चर्चा है बहुत बड़ी है, और मेरी चर्चा कोई भी ऐसी नहीं है जो 15-20 मिनट, आधा घंटे या एक घंटे में पूरी हो जाए। और मेरे जितने भी जैसे राता दलवाग जी और भाई क्या नाम है उनका, हर्षित जी, एक और हैं कैलाश जी, कैलाश चंद आर्य जोधपुर के हैं, ऐसे कई चैनल्स हैं जिनके माध्यम से यूट्यूब पर सामग्री पड़ी है, पर लगातार कोई भी एक व्याख्यान नहीं पड़ा। कोई कहीं से पढ़ा है, कोई कहीं से पढ़ा है, क्योंकि आर्य समाज में कार्यक्रम तो ऐसे होते हैं, जैसा प्रवाह चल रहा है वैसे चल रहा है। ये महाराज जी जहां से बोल रहे थे मैंने वहीं से उठा के चर्चा शुरू कर दी। ज्यादा आनंद तब आता जब 7 दिन का कार्यक्रम हो और एक ही विषय एक समय आप 1 घंटे सुनो, तब आप 7-8 दिन में एक विषय स्पष्ट समझ पाएंगे। तो सुनो, इस समय क्या क्या हो सकता वो मैं रखूंगा आपके सामने। मेरे सामने एक कंप्यूटर रखा है, प्रश्न मैं करूंगा उत्तर आपको देना नहीं है,
मैं आपको उत्तर दूंगा, अगर उसके अतिरिक्त आपका कोई उत्तर हो तो आप देना। मेरे सामने जो कंप्यूटर रखा हुआ है ये अभी अभी मेरे कितने काम आ सकता है, आप उत्तर सोच लो। मेरे सामने जो कंप्यूटर है ये अभी अभी, मैं अभी अभी इसका प्रयोग करना चाहता हूं तो केवल और केवल उतने काम आ सकता है जितने काम के लिए इसे तैयार किया गया है। क्या इसके अतिरिक्त आपका कोई और उत्तर है? जोर से बोलो। नहीं, कंप्यूटर जितना तैयार कर लोगे उतने काम आ जाएगा। अभी अभी ये कंप्यूटर सारे काम नहीं कर सकता। जोर से बोलो हां या ना। अगर यह कंप्यूटर डॉक्टर के लिए तैयार कर दिया गया है तो यह इंजीनियर के काम, बोलो, अभी अभी नहीं आएगा। अगर हम इसे तैयार करना चाहते हैं तो फिर दोबारा से दूसरे एप्लीकेशंस डाउनलोड कर देंगे, इसमें जो भी सॉफ्टवेयर हैं उनको इनमें चढ़ा देंगे तो इंजीनियर के काम आ जाएगा। किसी के लिए तैयार करना, वकील के काम आ जाएगा। ऐसे अनेक परिवर्तन किए जा सकते हैं और ये कंप्यूटर दुनिया के सारे काम कर सकता है, लेकिन उन कामों के लिए इसे, बोलो, तैयार करना पड़ेगा। अब सेम यही बात आप अपने ऊपर लागू करो, बिल्कुल एज इट इज। और प्रश्न है आपका अपने लिए, आप अभी अभी कितने काम आ सकते हो? जोर से बोलो। आवाज नहीं आई। इसका भी वही उत्तर है, अभी 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 तक आप अपने आप को कितने काम के लिए तैयार कर सके हो? आप केवल उतना ही काम कर सकते हो। बोलो हां या ना। क्या ऐसा कोई व्यक्ति संसार में मिलेगा जो सारे काम कर सके? आवाज नहीं आ रही आपकी। या तो मेरे साथ खड़े हो जाओ या मेरे विरोध में खड़े हो जाओ, भाई बीच में तो रहने नहीं दूंगा। बोलो, क्या संसार में ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा जो ये कह सके मैं सब जानता हूं? नहीं, कहते तो है बहुत लोग। नहीं, कहते तो हैं, जो कहते हम ना समझाओ, हम सब जानते हैं, लेकिन यथार्थ में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। हम जैसे मैं हूं, मैं कौन कौन से काम कर सकता हूं? मैंने जिन कामों की तैयारी करी है मैं उसे अच्छे से कर सकता हूं। आप में से ऐसे बहुत लोग हैं जो अनेक कामों को मेरे से बेहतर जानते हैं। मैं सारे काम नहीं जानता और आप भी सारे काम नहीं जानते, लेकिन कुछ लोगों को इस बात का दिमाग खराब रहता है कि हम सब जानते हैं। कुछ लोग तो सुनते ही नहीं है, दिमाग इतना खराब होता है। कुछ लोग सभा में बैठकर सुनते नहीं है। उनमें से एक लोग वे हैं जो थोड़े धनवान हो जाते हैं। है जी, मैं ठीक कह रहा हूं क्या? बोल दिया करो जरा। थोड़े बलवान हो जाएं वो भी नहीं सुनते। अच्छा, किसी बड़े पद पर बैठ जाए, बोलो, वो भी नहीं सुनते किसी की। अच्छा, जिनकी थोड़ी उम्र ज्यादा हो जाए वो भी नहीं सुनते किसी की। वो तो बच्चों को और डांटते रहते हैं। कल परसों का बच्चा हमको समझा रहा है, अपने सफेद वालों का हवाला देते हैं। यूं कहते हैं ये सफेद वाल, यूं कहते हैं धूप में सफेद नहीं हुए। तो मैं सफेद वाल वालों लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या सफेद वाल होकर आदमी PhD हो जाता है? ये कैसे जान लिया कि सब जान गए हम? और अगर कोई थोड़ा सा पढ़ ले, थोड़ा व्याख्यान करने लगे तो वो तो किसी की, जोर से बोल दे बात, तो वो किसी की नहीं सुनता।
और उसे समझाने लगो तो उल्टे तर्क और देता है। सीधी बात है, जिसका दिमाग खराब हो गया है बोलो वो किसी की नहीं सुन रहा, और जिसका दिमाग स्वस्थ है वो बलवान भी सुनता है, वो धनवान भी सुनता है, वो अच्छे पद पर बैठने के बाद भी सुनता है, जिसका दिमाग ठीक है।